हाय दोस्तों, हम अपने चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज एक काफ़ी गंभीर अपने बच्चों के लिए, हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे हमारे चैनल को देखते हैं और हम जिनको पढ़ाते हैं, उन सारे बच्चों के लिए आज एक मैसेज है। क्योंकि दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम का जो एंजाइटी है, ये पूरे माहौल में, पूरे एनवायरनमेंट में आज फैला हुआ है। जहाँ देखिए एग्ज़ाम एग्ज़ाम एग्ज़ाम, एक तरह का दर्द, एगोनी, पेन बच्चों में घुसा हुआ है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप ज़रा भी टेंशन नहीं लेना। फ्री माइंड होकर तैयारी करना। आप जो फ्री माइंड होकर तैयारी करोगे ना, वो आपका जो प्रिपरेशन है काफ़ी ना स्टेबल होगा। आप डर के तैयारी करोगे, रात को जाग के तैयारी करोगे, तो बहुत मुश्किल है, है ना। तो चलिए हम आपको कुछ स्टडी प्लानिंग्स के कुछ तरीके बताते हैं। दोस्तों देखिए, आप स्टूडेंट हो सकता है साइंस के हों, हो सकता है कॉमर्स के हों, हो सकता है आर्ट्स के हों या साइंस के हों। आप फिजिक्स पढ़ते, केमिस्ट्री पढ़ते, मैथमेटिक्स पढ़ते या इंग्लिश पढ़ते, हिस्ट्री पढ़ते, ज्योग्राफी पढ़ते, आप अकाउंटिंग पढ़ते, जो भी पढ़ते आप, आपको स्टडी करने का सबसे बेहतरीन उपाय मैं बताता हूँ। मेरे हिसाब से मैं बताता हूँ। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अमल भी कीजिएगा, बिकॉज एक्शन ज़रूरी है। एक्शन करना, जब तक आप एक्शन नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा दोस्तों। सिर्फ सोचने से कि हाँ आज से पढ़ेंगे, अब हम प्लानिंग करेंगे, तब करेंगे, जब करेंगे, नहीं होना। आप ऐसा नहीं कि चलिए हाँ शाम से पढ़ेंगे, जब शाम की बारी आई तो फिर कोई काम में चले गए, दोस्त मिल गए, तो सुबह से पढ़ेंगे, पक्का सुबह से पढ़ेंगे। फिर सुबह बारी आई तो नींद नहीं खुली, पक्का आज शाम से पढ़ेंगे। तो ये चलता चलता क्या होता है दोस्तों, ये चक्का, जो वक्त का चक्का है, वो घूमता जाता है और आपका टाइम ख़त्म होता जाता है। फिर वही पैराशूट वाली कहानी मुझे यह दोहराना पड़ सकता है कि पैराशूट अभी तो बहुत दूर है, कर लेंगे, चल लेंगे, हो जाएगा, लेकिन जब काफ़ी नज़दीक आते हैं तो फिर बोलता है वो कि पैराशूट खोलने का फ़ायदा ही क्या, अब तो पहुंच ही गए, अब पैराशूट इस छोटे से दूरी के लिए क्या खोले। तो ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं करना, शुरू से ही आपको सजग रहना है और आपको अच्छी तरह से आपका स्टडी को प्लान करना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। चलिए फिर आपको वेलकम बैक। तो देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि आप जो भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, जो पढ़ते हैं आप जो पढ़ते हैं पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ने को हम के लिए आपको सिर्फ चार पॉइंट हम आपको बताएंगे दोस्तों, है ना। प्लानिंग करना चार पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि आप जो भी चीज़ पढ़ते हैं ना सर, एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना, एग्ज़ाम से वन मंथ बिफोर, एक महीना पहले, आप नया पढ़ना, कोई नया कॉन्सेप्ट, नया चीज़ पढ़ना बंद कर दीजिए। मत पढ़िए नया चीज़, नहीं पढ़ना आपको नया चीज़ पढ़िएगा, कुछ भी दिमाग में आपके नहीं रहेगा। तो आप कोशिश करिए एक महीना, एग्ज़ाम से एक महीना पहले ही आपका कोर्स पूरा हो जाए। हर कोर्स, चाहे जौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ते हों, वो आपका पूरा कर लीजिए। सारा कोर्स आपका पूरा हो गया, आपका वन मंथ, एग्जैक्ट वन मंथ या उससे ज़्यादा अगर बचता है तो आप उसको किस में लगाइए, रिविज़न, नथिंग एल्स। रिविज़न करने का भी तरीका है, मैं आपको अगले वीडियोज़ में बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप एक या डेढ़ महीना पहले आप नया चीज़ पढ़ना बंद कर दीजिए। नया कुछ नहीं पढ़ना, जितना पढ़ लिया वो पढ़ लिया, या जितना आपने कोर्स पूरा कर लिया, आपका कोर्स पूरा हो गया तो हो गया, ठीक। पॉइंट नंबर वन, ठीक है। पॉइंट नंबर टू, देखिए सारे सब्जेक्ट को आप नहीं पढ़ सकते सर, सारे सब्जेक्ट को पढ़िएगा दिक्कत होगी। एक सब्जेक्ट को पकड़िए आप, मेरे हिसाब से जितना मैं समझता हूँ, एक सब्जेक्ट को आप एक टाइम में पकड़िए, ले लिया, उसको एक्सटेंसिवली पढ़िए। मान लीजिए आपने मैथमेटिक्स लिया या इंग्लिश ही लिया, एक चैप्टर लीजिए, उसको एक्सटेंसिवली पूरा विश्लेषण के साथ उसको आप पढ़ लीजिए। पढ़ लिया आपने हर कुछ, एवरीथिंग आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद उस बुक को आप क्लोज करिए। कर दिया, क्लोज करने के बाद आप क्या करिए सर, आप
आंखें बंद करिए, मेडिटेशन करिए कि आपको कितना चैप्टर समझ में आया, पकड़ में ये बात, कितना समझ में आया। आंखें बंद करिए, क्लोज योर आईज एंड थिंक कि इस चैप्टर में हमने क्या सीखा, क्या सीखा। और सेकेंडली क्या करिए, आप कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, उसको जॉट डाउन करिए, लिखना चालू करिए इस चैप्टर में आपने क्या क्या सीखा, क्या क्या आपने अंदर में आपका क्या भरा, उसको उतारिए, उसका उल्टी करिए आप कहाँ पर, पेपर पर। यकीन मानिए दोस्तों, यकीन मानिए, आपका जो जो पॉइंट छूट गया है, किताब निकालिए, उसको दोबारा देखिए, फिर मेडिटेशन करिए, उसको सेव करिए, फिर उसको लिखिए। क्लियर? इसी तरह से इन द सेम मैनर आप अपने पढ़े हुए का हर चैप्टर इसी तरह से रिवाइज कर लीजिए। मेडिटेशन से, चैप्टर पढ़ने के बाद लिखने से आपको आइडिया आएगा कि जो पढ़ा वो पढ़ा आपके भेजे में, आपके दिमाग में कितना सेव हुआ, और वही सेविंग आपको एग्जाम में काम करेगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई? दो बातें, एक महीना पहले तक आपको सब कुछ खत्म कर लेना है, और दूसरी बात क्या करनी है आपको, एक्सटेंसिव रीडिंग के साथ साथ मेडिटेशन करना, और मेडिटेशन के साथ साथ आप उसको जॉट करना है कहाँ, कॉपी कलम लेकर के, कॉपी में या डायरी में आपको देखना है कि आपको उस चैप्टर से संबंधित कितनी चीज़ें आती हैं। क्लियर है? घबराना, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हर सब्जेक्ट को इसी तरह से आप पढ़िए। वक्त नहीं है, जल्दी करिए, नहीं तो ये भी वक्त आपका निकल जाएगा। चलिए, इसी तरह से रिविजन का यही है, रिविजन में आपको मेटिकुलसली प्लान करना पड़ेगा। आप, मैं एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, आपके यहाँ पांच सब्जेक्ट होंगे, सबको इसी तरह से मेटिकुलसली काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको उसको प्लान करना है। प्लान करने के बाद सर, आप थोड़ा स्टडी समझते हैं, आप पूरी तरह से स्टडी कर लीजिए, आप उसको मेडिटेशन करिए और जॉट डाउन करिए अपने, किसको, अपने पढ़े हुए को लिखिए। दो बातें क्लियर हो गई। तीसरी बात सर, थर्ड पॉइंट, तीसरी बात, मार्केट में अवेलेबल होगा पिछले 10 ईयर्स के क्वेश्चंस। आप जिस चैप्टर को पढ़ते जा रहे हैं, सुन रहे हैं मेरी बात, जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं ना, कौन सा चैप्टर है, आप उसको एकदम थोरोली पढ़ लिए, आप उसको मेडिटेट किए, दिमाग में बिठा लिए, फिर आप उसको पेपर में क्या किए, जॉट किए, आपको जहाँ जहाँ जो जो छूटा उसको फिर दोबारा आप देखे, फिर उसको जॉट किए, मीन्स प्रैक्टिस करने के बाद उस चैप्टर को आप पिछले 10 ईयर्स का जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको लीजिए, मार्केट में अवेलेबल है, लीजिए सर, और जितने भी उस चैप्टर से संबंधित जहाँ जहाँ वो क्वेश्चन हैं उसको पकड़िए, आप पकड़ करके उसको पढ़िए। पढ़ने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा, पता लगेगा कि आप कितने पानी में हैं, आप इसका आंसर कैसे दे सकते हैं। अगर मैथमेटिक्स है तो क्या आपको वो कहानी पकड़ में आ रही है, क्या वो क्वेश्चन आपको पकड़ में आ रहा है। अगर इंग्लिश है तो क्या वो चीज़ आपको पकड़ में आ रही है, जो क्वेश्चन बोल रहा है, क्या आप लिख पाओगे, आप लिख पाओगे तो कितना लिख पाओगे, आपका ज़मीर, आपका सेविंग, आपके अंदर जो आपने वो चैप्टर पढ़ के सेव कर रखा है वो आपको जवाब दे देगा उसी वक्त। अगर कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है ना तो आप तब के तब इम्प्रूवमेंट कर लो, लेकिन ये 10 ईयर्स के पेपर्स आपको बहुत मदद करने वाले हैं। तीन बातें मैंने आपको बताई, नंबर एक आपका, मैं इसको समराइज कर रहा हूँ, नंबर एक आपका जो कोर्स है वो एग्ज़ाम के एक महीना कम से कम या 1.5 महीना पहले पूरा हो जाना चाहिए। आप कर लीजिए उसको पूरा। पूरा करने के बाद पॉइंट नंबर टू, आप जब रिवीजन मोड में आएंगे, रिवीजन नथिंग, जस्ट आपको रिवाइज करना है, नया कुछ नहीं पढ़ना। रिवीजन में क्या करना है, किसी भी चैप्टर को पकड़ना है, चूंकि सब्जेक्ट्स हैं पांच हैं तो पांच में से एक, जैसे हमने फिजिक्स पकड़ा, फिजिक्स का हमने पहला चैप्टर लिया, पहले चैप्टर को पकड़ के थोरली पढ़ लिया, फिर इसको क्या किया, मेडिटेशन किया, फिर इसको किस पे कॉपी में लिखा, और जो छूट गया, जो हमसे कॉपी में लिखा नहीं गया, छूट गया, उसको हमने दोबारा देखा, दोबारा देख करके फिर हमने लिखा, फिर इसको मेडिटेट किया, इस तरह से पूरे चैप्टर को, इसी तरह से सारे चैप्टर्स को आप पूरा कर लीजिए, और फिर आप 10 ईयर्स से, 10 साल के क्वेश्चन से, सैंपल पेपर से, जो भी अवेलेबल है उसको आप प्रैक्टिस करिए, ताकि आपका उससे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगा।
परेशान होने के लिए ज़रूरत नहीं है, एंजाइटी लेने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम टाइम है, कूल रहना है और खाना पीना बढ़िया से करना है, सोना भी ज़रूरी है बट उतना भी नहीं कि अब खरगोश की तरह सो रहे तो सो रहे, ठीक है ना। हाँ, सोना है, 4 घंटा सो लीजिए, 5 घंटा सो लीजिए, बहुत है, लेकिन आप चिपके रहिए अपने स्टडी प्लान के साथ। अगर स्टडी प्लान्स के साथ अगर आप चिपके नहीं रहेंगे दोस्तों, तो यकीन मानिए ये जो वक्त है आपका हाथ से बालू की तरह फिसल जाएगा, फिर कुछ नहीं होना, ये टाइम गुजर जाएगा। तो अब 3 बातें याद रखिए जो मैंने आपको बताया। 1, रिविज़न, 1-1.5 महीना पहले रोक दीजिए, सॉरी आप नया पढ़ना रोक दीजिए। 2, रिवाइज़ करिए, प्लानिंग से रिवाइज करिए, प्रत्येक चैप्टर को आप थोरली पढ़िए, पढ़ने के बाद उसको मेडिटेशन कीजिए, मनन कीजिए और फिर क्या करना है, जॉट डाउन कीजिए जो कमी रह गई उसको वहाँ से पूरा कर लीजिए। 3 बात, आप सैंपल पेपर्स का या 10 साल के क्वेश्चंस को लीजिए और उस, चूँकि सारे नहीं करने, उस चैप्टर के जो भी वहाँ मिल रहे हैं क्वेश्चंस उसको आप लीजिए और सॉल्व करिए। और एक बात याद रखिए, लिख करके देखिए सर, लिखना बहुत बड़ी बात है। हाउ टू राइट इज़ ए बिगर एंड बिगर प्रॉब्लम। आपको आता है, आप ये मत समझिए मुझे आता सबको है, लेकिन हाउ टू राइट इज ए बिग प्रॉब्लम। आप उसको लिखिए, लिख कर देखिए, डेरिवेशन है आप उसको डेरिवेशन आप करिए, अगर समरी लिख रहे इंग्लिश का तो समरी लिखिए, लिख करके देखिए और यकीन मानिए ये आपको चुटकियों में आपका मामला सॉल्व होगा। लेकिन लगना पड़ेगा, हारने की हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, आप लग जाइए, मुझे यकीन है कि आप इस चीज़ को करेंगे। 3 टिप्स दे रहे हैं आज, आगे फिर आपको और स्टडी टिप्स देंगे, हेल्थ का भी टिप्स देंगे, किस तरह देंगे आप इस, हम नेक्स्ट जो इससे संबंधित जो भी वीडियोज़ आएंगे आप हमें देखिएगा, आपको बहुत सारा चीज़ हम आपको उसमें बताएंगे। तो चलिए अभी आप 3 टिप्स को याद रखिए, इसी को लेकर के आप बिल्कुल मेहनत करिए और यकीन मानिए मेरी दुआ है कि आप अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर लाएंगे। चलिए इसी के साथ, वीडियो अच्छी लगी हो और इंस्पिरेशनल लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।